नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि राजनीति प्रधान देश है। आज सुबह से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों की चर्चा है, और आज हमें कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इन चुनावी नतीजों के बीच सुकमा में सीआरपीएफ के 9 जवानों की शहादत और उनके परिवारों का दर्द कहीं खो गया। आज दिन भर किसी भी न्यूज चैनल ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों और उनके आंसुओं की बात नहीं की। किसी के पास उनकी पीड़ा सुनने और समझने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त थे और राजनीतिक पंडितों के साथ वोटों और सीटों का गणित लगा रहे थे। बहुत सारे लोग आज दिन भर ये कटाक्ष कर रहे थे कि शायद ये जवान गलत समय पर शहीद हो गए। ये बड़े दुख की बात है। जी न्यूज ने भी चुनावी नतीजों की पूरी कवरेज की है, लेकिन हमने शहीदों के परिवारों के दर्द को प्राथमिकता दी, और आज डीएनए में भी हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नेताओं ने ठगा नहीं। आमतौर पर यह माना जाता है कि नेता वोटरों को हमेशा ठगते हैं, लेकिन आज वोटरों ने नेताओं को ठग लिया, और यही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं, और ये दोनों उपचुनाव बीजेपी के लिए निराशा लेकर आए हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को अपनी ही सीटों पर नहीं जिता पाए, जबकि दूसरी तरफ एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन कही जाने वाली समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर बीजेपी को हरा दिया। इसी के साथ यह भी साबित हो गया कि आज के दौर में बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं है जो चुनाव में जीत की गारंटी बन सके। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस नतीजे को देश की राजनीति में एक नए तीसरे मोर्चे का ट्रेलर भी कहा जा सकता है, लेकिन इस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इस नतीजे में बहुत सारी शिक्षाएं और समीकरण छिपे हुए हैं, इसलिए आज हम इन नतीजों का पूरा संपूर्ण डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी को दो बड़े झटके लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की फूलपुर संसदीय सीट बीजेपी हार गई। गोरखपुर में बीजेपी 29 साल बाद हारी है। जो ये जनता ने फैसला दिया है अप्रत्याशित है। सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने के दिशा में बना है। गोरखपुर सीट समाजवादी पार्टी ने 21,881 वोटों से जीती, वहीं फूलपुर सीट पर 59,613 वोट के अंतर से बीजेपी को हराया। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई है। आरजेडी के अररिया लोकसभा सीट पर आरजेडी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। आरजेडी ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 1,71,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। गोरखपुर और फूलपुर सीट जीतकर समाजवादी पार्टी ने जमकर जश्न मनाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस जीत को सामाजिक न्याय की जीत बताया। धर्म के एक दूसरे के प्रति नाराजगी पैदा हो जाए ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार इनका रहता है। राष्ट्रवाद के झूठे नाम पर जनता को धोखा देने का काम किया। लेकिन अखिलेश ने 2019 में भी मायावती से गठबंधन पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो केवल जो दो परिणाम आए हैं उनकी खुशी मनाने का दिन है। जीत के बाद अखिलेश मायावती को समर्थन के लिए धन्यवाद देने उनके घर भी गए। यूपी के गोरखपुर, फूलपुर और बिहार के अररिया संसदीय सीट पर बीजेपी की हार से विपक्ष में 2019 की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। गंभीर चुनाव परिणाम है, भाजपा को एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिहार में आरजेडी की जीत पर ममता बनर्जी ने लालू यादव को बधाई दी, तो लालू की ओर से भी ट्वीट में कहा गया कि अब 2019 भी जीतना है। जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, उनसे बदला लेना चाहिए।
इस हार से लोकसभा में बीजेपी की सीटें 272 रह गई हैं। अजमेर, अलवर और गुरदासपुर सीट उससे कांग्रेस ने छीनी थी। महाराष्ट्र की दो, भंडारा और पालघर, जबकि यूपी की कैराना, इन तीन सीटों पर उपचुनाव अभी बाकी है। जो लोकसभा में हुआ 2014 में, वो हवा और लहर थी, वो निकल चुका है। अब लहर से उतरकर हम जमीन पर चलना चाहिए। अयोध्या में विवादित जगह के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य पक्षकारों के अलावा तीसरे पक्षों की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले से शिया वक्फ बोर्ड और सुब्रमण्यम स्वामी भी अयोध्या की सुनवाई से बाहर हो गए हैं। मैंने यही कहा था कि या आप मुझे, आप मेरी तरफ को सुनिए, या मेरी जो रिट पिटीशन है, जो कन्वर्ट हुई है इंटरवीनिंग पिटीशन, उसको दोबारा आपकी ऑर्डर से उसको रिट पिटीशन बना दीजिए। अयोध्या विवाद में तीन मुख्य पक्षकार रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका बहाल कर दी। स्वामी ने कहा था कि पूजा का अधिकार प्रॉपर्टी के अधिकार से बड़ा है। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। भारतीय सेना के 68% हथियार पुराने हो चुके हैं, कई तो म्यूजियम में रखने लायक रह गए हैं। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने लोकसभा की स्थायी समिति में पेश अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। लोकसभा में पेश इस रिपोर्ट में सेना की ओर से कम रक्षा बजट पर चिंता जताई गई है। सेना के मुताबिक एक तिहाई से ज्यादा पुराने हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 8% हथियार ही आधुनिक है। सेना को आधुनिकीकरण के लिए इस साल बजट में 21,338 करोड़ रुपए मिले हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कल ही कम रक्षा बजट पर चिंता जताई थी। ये अगर उनके मन की बात है तो प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और राष्ट्रपति को भी ये बात अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो देश के साथ विश्वासघात है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को आज देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के ये नौजवान कल नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे। धमाके में एंटी लैंडमाइन व्हीकल के परखच्चे उड़ गए थे। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में इंटेलिजेंस एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो जो भी नई नई चीजें खोज होगा, हम आईडी के बारे में निश्चित ही जाना सतर्क है, काम करेंगे उस पर। लेकिन आज की हालत में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, जानकारी मिलती रहती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुकमा हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार में आंतरिक सुरक्षा चरमरा गई है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी विधायक पर हमला करने वाले तीन कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप दुधात ने बीजेपी विधायक जगदीश पांचाल पर माइक से हमला कर दिया, इसी पर यह कार्रवाई हुई। मार्शल कांग्रेस विधायक को खींचकर सदन से बाहर ले गए। सस्पेंड होने वाले बाकी दोनों कांग्रेस विधायक विक्रम मांडव और अमरीश डेर हैं। कांग्रेस के विधायक रेप के आरोपी आसाराम पर सवाल पूछने की इजाजत न मिलने पर भड़के थे। इसी को लेकर बहस हुई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों में हाथापाई की नौबत आई। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप की बीसीसीआई ने जांच शुरू कर दी है। जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास बीसीसीआई की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लेटर की वो कॉपी है जिसमें एंटी करप्शन यूनिट को जांच के लिए कहा गया है। एंटी करप्शन यूनिट को एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसी जहान ने भी उन पर फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। शमी की पत्नी ने कहा था कि शमी ने दुबई में पाकिस्तानी लड़की अलिस्वा से मैच फिक्सिंग के लिए पैसे लिए थे। आरोप है कि ये पैसे इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन ने भिजवाए थे। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने भी बीसीसीआई से मोहम्मद शमी के दक्षिण अफ्रीका टूर की ट्रैवल डिटेल्स मांगी है। आप में से ज्यादातर लोग बचपन से ये सुनते आए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा लगता है भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि राजनीति प्रधान देश है। आपने भी महसूस किया होगा कि आपके आसपास बहुत राजनीति होती है। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से ये जरूर कहा होगा कि आपके दफ्तर में बहुत राजनीति है, सिस्टम में बहुत राजनीति है, या फिर घर में और घर के आसपास बहुत राजनीति है। चारों तरफ राजनीति ही राजनीति है। आप चाय की दुकान पर जाइए, आपको अक्सर लोग राजनीति के बारे में बात करते ही मिलेंगे। यानी भारत के दिल और दिमाग में राजनीति कूट कूट कर बसी हुई है, और आज ये बात एक बार फिर से सच साबित हुई है।
आज सुबह से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों की चर्चा है, और आज हमें कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इन चुनावी नतीजों के बीच सुकमा में सीआरपीएफ के नौजवानों की शहादत और उनके परिवारों का दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया। बहुत सारे लोग ये कटाक्ष कर रहे थे कि ये जवान शायद गलत समय पर शहीद हो गए। अब इनके बारे में सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं, क्योंकि उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। अब आप खुद ही ये सोचिए कि इन शहीदों की शहादत का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है, क्योंकि आज पूरा देश सिर्फ राजनीति की बात कर रहा है, सिर्फ उपचुनावों के नतीजों की बात कर रहा है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आज दिन भर किसी भी न्यूज चैनल ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों और उनके आंसुओं की बात नहीं की। किसी के पास उनकी पीड़ा सुनने और समझने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स, सारा मीडिया राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त था और राजनीतिक पंडितों के साथ वोटों और सीटों का गणित लगातार दिन भर चल रहा था। जी न्यूज ने भी चुनावी नतीजों की पूरी कवरेज की, लेकिन हमने शहीदों के परिवारों के दर्द को पहली प्राथमिकता दी। हमारे लिए शहादत किसी भी राजनीति से ऊपर है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। आज सुबह से ही हमारे पास देश के अलग अलग हिस्सों से 9 शहीद जवानों के परिवारों से जुड़ी खबरें लगातार के साथ इन परिवारों की तकलीफ और असहनीय पीड़ा से जुड़ी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। आज डीएनए की शुरुआत भी हम चुनावों के नतीजों से नहीं, बल्कि सुकमा में शहीद हुए जवानों की खबर से करना चाहते हैं। सीआरपीएफ के जिन 9 जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, वो देश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते थे। कोई बिहार का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई राजस्थान का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई कर्नाटक का, तो कोई उड़ीसा का। और आज हमारे पास इन सभी जगहों से शहीदों के परिवारों के आंसू आए हैं, लेकिन सबसे हृदय विदारक तस्वीर उड़ीसा के पुरी जिले के रहने वाले शहीद मनोरंजन लेंका के घर से आई है। हाल ही में सीआरपीएफ के जवान के पिता की मृत्यु हुई थी और वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अपने घर गए थे, और 2 दिन पहले ही उन्होंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। सुकमा जिले में कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए निकलने से पहले उन्होंने अपनी माँ से फोन पर बात भी की थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये माँ और बेटे के बीच हुई आखिरी बातचीत थी। शहीद मनोरंजन लेंका के घर में अब सिर्फ उनकी माँ और छोटी बहन बची है। जब शहीद मनोरंजन लेंका का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा, तो उनकी बहन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसे शब्दों में बयां कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आज पूरे देश को यह तय करना है, आपको यह तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनावी नतीजे या इस बहन के आंसू। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, तो ये उस परिवार के लिए गर्व का विषय होता है, लेकिन हम उन भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनकी डोर से ये रिश्ते बंधे होते हैं। किसी अपने को खोने के गम से बाहर निकलने में अक्सर लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जीने का कोई मकसद इसके बाद नजर नहीं आता। ये पीड़ा हम सब ने कभी ना कभी अपने आसपास जरूर महसूस की होगी, लेकिन एक सैनिक के परिवार की सहन शक्ति आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। देश की रक्षा करते हुए जंग के मैदान में शहीद होने वाले जवानों के परिवार उनकी शहादत पर हमेशा गर्व करते हैं और अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाते हैं, लेकिन कब तक, क्योंकि वो भी इंसान है और कई बार उनकी संवेदनाओं का बांध भी टूट जाता है, जैसा आपने इस तस्वीर में देखा। अच्छा होता अगर देश का मीडिया, देश के नेता, देश के बुद्धिजीवी, देश के लोग, आम जनता इन जवानों से जुड़ी खबरों को पहली प्राथमिकता देते, इन जवानों के बारे में रुक कर कुछ पल सोचते, इनके परिवारों के बारे में सोचते। जरा सोचिए, इन नौजवानों के परिवारों को इससे कितनी ताकत मिलती, कितना प्रोत्साहन मिलता, उन्हें ऐसा लगता जैसे सारा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन देश ने 24 घंटे भी नहीं लगाए इन्हें भूलने में। ये सभी जवान देश के 6 अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे, जिन्हें देश एक ही दिन में भूल गया। इनमें से एक जवान बिहार का था और 3 जवान उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उन जवानों के घर कोई नहीं गया, क्योंकि उपचुनावों के नतीजों के बीच कोई गले मिल रहा था तो कोई बीच सड़क पर खड़े होकर डांस कर रहा था, कोई चुनावी जीत का विश्लेषण कर रहा था, कोई हार का विश्लेषण कर रहा था। जीत का जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शहीदों के घर की यात्रा करने में कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें जाति और धर्म का कोई एंगल नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, वोटों का खजाना नहीं है, इसलिए नेता वहां जाने से परहेज करते हैं और मीडिया के कैमरों को भी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। वैसे सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या देश में कुर्बानी देने का पूरा जिम्मा इस देश के सैनिकों, सुरक्षा बलों और उनके परिवारों ने ही ले रखा है? क्या किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमें लगता है कि ज्ञान बांटना, लेक्चर देना और अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन कुर्बानी देना बहुत मुश्किल, वो भी अपनी जान की कुर्बानी देना। हम मानते हैं कि हर कोई जीवन का बलिदान नहीं दे सकता, लेकिन हर कोई कम से कम जवानों के बलिदान का सम्मान तो कर ही सकता है, और आज ये विश्लेषण हमने इसी भावना के साथ किया है। आज हम न सिर्फ इन सभी शहीदों के परिवारों की पीड़ा आपके घरों तक पहुंचाएंगे, बल्कि आपको सुकमा जिले में ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे, जहां नक्सलियों ने यह हमला किया था। आज सुबह जिस वक्त जी न्यूज की टीम हमले की जगह पर रिपोर्टिंग करने पहुंची, उस वक्त भी CRPF के माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल से धुआं निकल रहा था। शहीद जवानों के जूते इधर उधर बिखरे पड़े थे और उनका सामान टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सुकमा में शहीद हुए सुरक्षा बलों को जी न्यूज के साथ ये अंतिम विदाई दें और इस शहादत में छिपे दर्द और टीस को महसूस करें। परिवार ही पूरा रोती बच्चों की किलकारी को, कहीं बैठी उदास उस नारी को, खो चुकी लाल उस पालनहारी को, शहीद के पिता के कलेजे भारी को, चलो आज लिखा जाए। दिया लाल देश को, उस छाती को। उस पिता के चरण लगी उस माटी को, लगा तिलक किया विदा जिसने जीवन साथी को,
शब्दों में कहां सामर्थ्य लिखे जो इस पाती को। उत्तम चाहे भी तो ना लिखा जाए, कोई चाहे भी तो ना लिखा जाए, फिर भी चलो आज कुछ तो लिखा जाए। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, ये देश के 6 अलग अलग राज्य हैं। लेकिन आज इन सभी राज्यों से एक जैसी ही तस्वीरें देश के सामने आई हैं, और इन सभी तस्वीरों में मानवीय संवेदनाओं को तोड़कर रख देने वाली जो पीड़ा छिपी हुई है, उसे एक शहीद का परिवार ही समझ सकता है। सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के उन नौजवानों के परिवार वालों की पीड़ा है, जो आज राजनीतिक खबरों के शोर के बीच कहीं खो सी गई थी। आज दिन भर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को इनकी परवाह ही नहीं है, और शायद ये संदेश देने की कोशिश भी हो रही थी कि नक्सली हमले तो होते ही रहते हैं और जवान भी मरते ही रहते हैं। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं कि इस लाल आतंक के खिलाफ कोई बड़े बड़े लेख क्यों नहीं लिखता? क्या नक्सली हिंसा की खबरों को इस तरह डाउन प्ले करना, यानी कमतर करके दिखाना, नक्सलवाद को लाल सलाम करने के बराबर नहीं है? ऐसे जवानों के प्रति हम नतमस्तक हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, और निश्चित रूप से उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। बड़ी ताकत से हमारे सुरक्षा बल और स्टेट पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेशन रखते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। अक्सर मुद्दों की राजनीति के चश्मे से देखने वाले इस देश के नेताओं से भी आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या किसी नेता ने देश के 6 अलग अलग राज्यों में जाकर शहीद होने वाले जवानों के परिवार के कंधों पर हाथ रखा? इसका जवाब हम जानते हैं, और वो जवाब है नहीं। सच तो ये है कि छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में जाकर शहीदों के परिवार का सम्मान करने की आदत हमारे देश के बुद्धिजीवियों की फितरत में ही नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, हमारे जवान एक बार फिर उग्रवाद के शिकार हुए हैं। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि अभी भी उग्रवाद अपनी जगह पर मौजूद है। सुकमा में जो हुआ है, जिनको ऐसे कत्ल कर दिए, ये कायर लोग, ये जो उनके ऊपर हमला करे हैं, ये कायरता को काबू में रखने के लिए क्या ये सरकार के पास कुछ इलाज है? सवाल मैं पूछ रही हूँ। वैसे भी देश के लिए मर मिटने वाले जवानों के परिवार का सामना करने के लिए फौलाद जैसे जिगर की जरूरत होती है, जो शायद किसी के पास नहीं है। परिवार ही पूरा, सबसे बड़े भाई मेरे वो सेना में थे, मेरे से बड़ा भाई सेना में था, एक बीच वाले पुलिस में थे, और उसको और इनके सभी के दो दो बच्चे, एक बच्चे सब सेना में। वो बड़ी अभी ये रामकृष्ण जी तो इतनी बात कर रहा था कि इसको तो सेना में भेजना ही भेजना है, उसकी हाइट और सब देख करके कहता था कि नहीं, ये तो अभी 17 साल की उम्र है, 18 साल पूरा होने दो, बोले इसको तो तैयारी पूरी इस तरह से मतलब है। वो जिस वक्त देश का मीडिया चुनावी नतीजों के शोर में बड़े बड़े डिबेट्स कर रहा था, उस वक्त जी न्यूज की टीम सुकमा के उस इलाके में मौजूद थी जहां नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, और वहां की तस्वीरें देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि हमला कितना भयानक और जानलेवा था। सुकमा के किस्टाराम और पालौदी के बीच जहां पे ब्लास्ट कल किया गया है, उस जगह पर हम मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, और आप देख सकते हैं ये एंटी लैंडमाइन व्हीकल है कि और
इसी को ब्लास्ट के जरिए जो है उड़ाया गया है धमाके से। एंटी लैंडमाइन व्हीकल इस जगह से जब गुजर रहा था तो इसी दौरान इसको इसमें धमाका किया गया। ये जो आप ज़मीन पर जो गड्ढा देख रहे हैं ये सिर्फ उसी आईडी एक्सप्लोजिव की वजह से ये गड्ढा हुआ है। इसके चादर जो जिस लोहे के चादर से ये तैयार किया जाता है इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी काफ़ी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, जिसमें बताया जाता है कि गोलियों का असर इस पर नहीं होता है और किसी भी जो 12 से 15 किलो तक के एक्सप्लोजिव का भी अगर इसमें इस्तेमाल करके इसमें ब्लास्ट किया जाए तो इसका असर इसमें नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से इसको टारगेट बनाया गया इसे साफ जाहिर है कि नक्सली जिस आईडी का इस्तेमाल किए हैं उनको इस बात का अंदाज़ा था कि ये एंटी लैंडमाइन व्हीकल की क्षमता कितनी होती है और उससे दोगुना इन्होंने एक्सप्लोजिव लगाने की कोशिश की ताकि इस गाड़ी को उड़ाया जा सके। ये जो एरिया है ये नक्सलियों का स्ट्रांग होल्ड एरिया है और इसमें जब आगे जाके देखेंगे फिजिकली ग्राउंड पे जंगल इतना घना है और जो टोपोग्राफी है काफ़ी हिली ट्रेन है और काफ़ी घने जंगल होने के कारण कई बार अगर आसपास अगर 10 मीटर में भी नक्सली हैं तो पता नहीं चल पाता है। और जो आईडी ब्लास्ट करने के लिए केवल एक आदमी की ज़रूरत होती है और साथ में उनके साथ में कुछ सपोर्टिंग पार्टी 20-25 की थी जो कि जंगल के आड़ में छुपे हुए थे जो कि पता नहीं चला। जवानों के जूते, उनके सामान, उनके किट बैग, उनकी गाड़ी, सुकमा के इस इलाके में कहने को तो सब कुछ मौजूद था लेकिन सच्चाई ये थी कि उसमें कुछ बचा नहीं था। हम लोग तो जा रहे थे पूरे छुट्टी वाला पार्टी, लेकिन पहले किस्ताराम आए हम लोग भद्रातलम से, उसके बाद पूरा आगे पलोड़ी कैंप अपना सीआरपीएफ का जो हमारा कैंप है उसके लिए जा रहे थे हम लोग। तो रास्ते में क्या हुआ, जो एमपीबी को जो उड़ा दिया, मतलब माइंस लगा के नक्सली उड़ा दिया, और देखिए नक्सली देखिए ना, कुछ दिखाई भी नहीं दिया, आभास तो था लेकिन हो सकता है डाउट था लेकिन दिख नहीं रहा था। नहीं, उस व्हीकल के अंदर तो मैं ही मौजूद था, सिर्फ मैं ही था अंदर में पड़ा हुआ क्योंकि मैं कड़ा रहा था, होश में नहीं था लेकिन आवाज सुनाई दे रहा था, तो हमारे जो कुछ जवान थे उनके पास सुनाई दे रहा था। फिर मैंने उसको बुलाया पास में, आवाज दे बुलाया, आँख तो खुल नहीं रहा था, मेरा पूरा बेहोश था उस टाइम। कुछ एक जवान था जो करा रहा था, जो जिसको लाने के क्रम में जो है ना किस्ताराम लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई रास्ते में। मिलेगा तो जरूर लेंगे, इसमें क्या बात है, मिलेगा तो जरूर लेंगे, मौका मिला तो जरूर लेंगे। बदल इस नक्सली हमले ने हमें एक बार फिर से याद दिलाया है कि सिर्फ कड़ी निंदा से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में आम लोगों और नेताओं के वैचारिक गोदाम कड़ी निंदा से भरे पड़े हैं और ये कड़ी निंदा देश को कुछ नहीं दे सकती। अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमें ऐसी अंतिम यात्राएं बार बार ना देखनी पड़े। सुकमा से सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसी घटनाओं के बाद कुछ देर के लिए लोगों को दुख होता है लेकिन ज्यादातर लोग कुछ समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त और मस्त हो जाते हैं और कह देते हैं लाइफ गोज ऑन, यानी जीवन आगे बढ़ने का नाम है। ये बात ठीक है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है लेकिन यहां हम इस कथन में थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं और वो ये है कि जीवन देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को नजरअंदाज किए बिना उन्हें श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ने का नाम है। जीवन एक शहीद के परिवार को हर रोज साल के 365 दिन याद करने का नाम है और उनके संघर्ष को पूरे देश तक पहुंचाने का नाम है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नेताओं ने ठगा नहीं। आमतौर पर नेता वोटरों को हमेशा ठगते रहते हैं और लोग हमेशा ये कहते हैं कि हर चुनाव में नेता वोटरों को ठग लेते हैं, लेकिन आज वोटरों ने नेताओं को ठग लिया है और यही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। आज दो राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित हुए हैं और ये दोनों उपचुनाव बीजेपी के लिए निराशा लेकर आए हैं, बुरी खबर लेकर आए हैं। वैसे तो उपचुनावों को एक औपचारिकता माना जाता है और उपचुनावों के नतीजों से किसी सरकार का गिरना या बनना तय नहीं होता, सरकार पर इन उपचुनावों का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उपचुनाव किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की छोड़ी हुई सीटों पर हो रहे हों और वो दोनों ही ये सीटें हार जाएं तो फिर नतीजे अचानक से बड़े हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे पॉलिटिकली एक्टिव राज्य है। वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को अपनी ही सीटों पर नहीं जिता पाए, ये बहुत बड़ी खबर है। ये उपचुनाव इसलिए भी खास थे क्योंकि इनमें बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, जो कि कुछ महीनों पहले तक बड़ी असंभव सी बात लगती थी। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी या बीजेपी को हराने के लिए ये फॉर्मूला अब अपना असर दिखा सकता है। इस नतीजे में बहुत सारी शिक्षाएं और समीकरण छिपे हुए हैं, इसलिए आज हम इन नतीजों का संपूर्ण डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको समझाएंगे कि इन नतीजों में क्या शिक्षाएं छिपी हुई हैं और आगे चलकर इनका क्या असर पड़ सकता है पूरे देश की राजनीति पर। इसलिए इन नतीजों को सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार से जोड़कर मत देखिए। लेकिन सबसे पहले आपको आज के उपचुनावों के नतीजे बता देते हैं, हुआ क्या है। आज उत्तर प्रदेश की 2 और बिहार की 1 लोकसभा सीट के नतीजे घोषित हुए हैं और इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी हार गई है। इनमें से 2 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, 1 आरजेडी के पास थी। अपनी दोनों सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं, लेकिन आरजेडी ने अपनी सीट बरकरार रखी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। यहां गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे क्योंकि गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, इसलिए उनकी यह लोकसभा सीट खाली हो गई। जबकि केशव प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी लोकसभा सीट फूलपुर खाली हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी सीटों पर ही अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए और दोनों की सीटों पर बीजेपी हार गई। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल ने बीजेपी के उम्मीदवार कौशलेंद्र पटेल को 613 वोट से हराया, जबकि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला को 21,881 वोटों से हरा दिया। बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम ने 61,788 वोटों से जीत हासिल की। ये सीट पहले भी आरजेडी के पास ही थी, यानी आरजेडी ने तो अपनी सीट बचा ली, लेकिन बीजेपी अपनी दोनों सीट नहीं बचा पाई। इसके अलावा बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। बिहार की भबुआ विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रिंकी रानी पांडे ने जीत हासिल की, जबकि जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी सुदय यादव जीत गए। ये नतीजे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन महत्वपूर्ण सीटों का चुनाव हार कैसे गई। सिर्फ 1 साल पहले ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई थी। ऐसे में विपक्षी पार्टियां और आम लोग भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या 1 साल में ही लोग बीजेपी से इतने निराश हो गए। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह रही कम मतदान होना। इन उपचुनावों में गोरखपुर में सिर्फ 47% मतदान हुआ था। इसकी बड़ी वजह यह रही कि बीजेपी का अपना ट्रेडिशनल मतदाता वोट देने के लिए नहीं गया। जो पारंपरिक उनका मतदाता है वो वोट देने के लिए बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने इन चुनावों को लेकर अपना उत्साह नहीं दिखाया, अपनी निराशा दिखाई। बीएसपी द्वारा समाजवादी पार्टी को दिए गए समर्थन की वजह से दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया। गोरखपुर में करीब 4,00,000 निषाद मतदाता हैं और हर बार ये वर्ग बीजेपी को वोट देता आ रहा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सीधे निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और इससे समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ। इसके अलावा यादवों, मुस्लिमों और दलितों के वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है और इसकी प्रतिक्रिया इस बार इन चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि गोरखपुर का ब्राह्मण वोट बैंक साइलेंट हो गया और वोट देने के लिए गया ही नहीं। गोरखपुर में करीब 2,00,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं और इन वोटर्स की उदासीनता की वजह से 29 वर्षों में पहली बार गोरखपुर से बीजेपी की हार हुई है। ये सीट वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुआ करती थी, उनका गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी वहां से भी हार गई।
इसके अलावा बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में इस बात की भी नाराजगी है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता भी अचानक साइलेंट हो गया और ज्यादा सक्रिय इन चुनावों में नहीं हुआ। आपको याद होगा गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत से बच्चों की मौत हुई थी और इस वजह से भी योगी सरकार की किरकिरी हुई थी। कुछ लोग इसे भी हार की एक बड़ी वजह मान रहे हैं, हालांकि ये संपूर्ण वजह नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह भी हो सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि फूलपुर से बीजेपी कैसे हारी। फूलपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी और इसलिए पहली बार ये सीट 2014 में बीजेपी के खाते में आई थी। तब केशव प्रसाद मौर्य को 52% वोट मिले थे और वो यहां से जीत गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने कौशलेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। वो फूलपुर के लिए एक बाहरी नेता थे, वो मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले हैं, इसलिए स्थानीय प्रत्याशी का ना होना भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा। फूलपुर में कुर्मी या पटेल वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख है, जबकि यादव 2.5 लाख, दलित 4 लाख, मुस्लिम 2 लाख और अन्य पिछड़ी जातियों के 2 लाख वोटर हैं। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ तो जातीय समीकरण सीधे उनके पक्ष में चले गए। कुर्मी, यादव, मुस्लिम और दलितों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया और बीजेपी देखती रह गई। फूलपुर में भी सिर्फ 37.39% मतदान हुआ था, बहुत कम था। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी का वोटर वोट देने के लिए बाहर नहीं आया। शहरी इलाकों में तो सिर्फ 19% वोटिंग हुई थी और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और इसकी वजह से फूलपुर में समाजवादी पार्टी का वोट 20% से 47% हो गया, यानी सीधे 27% का फायदा। इसमें बीएसपी के हिस्से वाले 17% वोट भी शामिल है, जबकि बीजेपी 52% से सीधे 39% पर सिमट गई, यानी बीजेपी को 13% वोट का नुकसान हुआ। तो ये तो हमने आपको नतीजे बता दिए, लेकिन अब ये देखते हैं कि नतीजों से कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। आज एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो किसी भी चुनाव में जीत की गारंटी बन सके, योगी आदित्यनाथ भी नहीं। आमतौर पर प्रधानमंत्री उपचुनावों में प्रचार नहीं करते, इसलिए इन सीटों पर भी उन्होंने प्रचार नहीं किया था और शायद इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था लेकिन जिता नहीं पाए। इन चुनावी नतीजों की बड़ी बात यह भी है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है और उसे हराया भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यह संभव करके दिखा दिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यह इस फॉर्मूले की सिर्फ एक शुरुआत है और अब देश भर में बाकी के जो नेता हैं उन्हें भी इस फॉर्मूले के बारे में पता लगेगा और हो सकता है वो भी इस फॉर्मूले पर विचार करें, क्योंकि कुछ महीने पहले तक मायावती और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये दोनों पार्टियां कभी एक साथ समझौता कर सकती हैं, लेकिन ये असंभव सा काम भी इस बार हो गया बीजेपी की वजह से, बीजेपी को हराने के लिए। वैसे इन नतीजों को आप तीसरे मोर्चे का एक छोटा सा ट्रेलर भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ऐसा तीसरा मोर्चा होगा जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं होगा। यानी तीसरा मोर्चा बन तो सकता है लेकिन उसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यह बता दिया है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उनकी शर्तों पर ही चलना पड़ेगा और कांग्रेस उनके मुकाबले बहुत छोटी पार्टी है, इसलिए नेतृत्व का सपना तो उसे देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगहों पर, इन दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 19,334 वोट मिले और गोरखपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को 18,844 वोट मिले। यहां पर एक खास बात यह भी देखने वाली होगी कि इन दोनों जगहों पर बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया, क्या वो प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ की पसंद के प्रत्याशी थे या उनकी मर्जी के बिना दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया, यह भी एक विश्लेषण का विषय हो सकता है। वैसे तो इन चुनावों के नतीजों से लोकसभा में बीजेपी की स्थिति पर
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े से सिर्फ दो ही सीटें ज्यादा बची हैं लोकसभा में। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन अब घटते घटते बीजेपी के पास सिर्फ 274 सांसद ही बचे हैं और बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, यानी बहुमत से सिर्फ दो सांसद, दो सीटें ही बीजेपी के पास ज्यादा हैं। इसके अलावा अकाली दल, टीडीपी और शिवसेना जैसे सहयोगी अभी बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन ऐसा मानिए, हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी होगी, अगर बीजेपी के सारे जो सहयोगी दल हैं अगर वो सब अपना समर्थन वापस खींच लें तब बीजेपी कुछ मुश्किल में पड़ सकती है। देशव्यापी राजनीति की नजर से अगर देखा जाए तो ये तीसरे मोर्चे का एक ट्रेलर था देश के लिए। अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन कर लें तो बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। ये इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश के नेताओं को और पूरे देश के खासतौर पर रीजनल पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, इन दोनों पार्टियों ने ये बता दिया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियां एक नई रणनीति के साथ बीजेपी को हराने के लिए उतर आए। अब आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.67% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को 22.23% और समाजवादी पार्टी को उससे भी कम 21.82% वोट मिले थे। अगर इन दोनों दलों ने एक साथ गठबंधन करके मिलकर चुनाव लड़ा होता तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन तब तक इन्हें इतनी अकल नहीं आई थी। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के वोट मिला दिए जाएं तो ये मिलकर 44.05% वोट होंगे, यानी बीजेपी से 4.38% ज्यादा वोट। इसी तरह से 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश के 8.05 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जिनमें से 3.43 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे, यानी करीब 42.63%, जबकि बीएसपी को 1.59 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, यानी करीब 19.77%, जबकि 1.80 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, यानी करीब 22.35%। अब अगर इन दोनों पार्टियों के वोटों को एक साथ मिला दिया जाए तो 3.39 करोड़ वोट बनते हैं, यानी 42.12% वोट दोनों पार्टियों के मिलकर बनते हैं। ये बीजेपी को मिले वोटों से 4 लाख कम है, लेकिन 2014 में समीकरण बिल्कुल अलग थे, तब देश में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर चल रही थी, इसीलिए ये नतीजे बीजेपी के लिए आज खतरे की घंटी हैं, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2014 में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में मिली इस बंपर जीत की वजह से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर यही आइडिया अलग अलग राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी आ गया और उन्होंने भी मिलकर हाथ मिलाना शुरू कर दिया तो बीजेपी के लिए और मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस बार गठबंधन के साथ बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी अगले चुनाव में। हमने इन आंकड़ों में कांग्रेस का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इन दोनों क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर ही चलना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार अब नहीं है, वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित है, और वहां भी रहेगी या नहीं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव तक वहां भी ना बचे। के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों एक होना चाहते हैं, जैसे लगता है कहीं कोई उफान आता है तो सांप और सुचंदर सब एक साथ मिलकर के एक उसमें खड़े हो जाते हैं। आज वही स्थिति इन लोगों के बीच बन चुकी है। एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है
तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। यही है राजनीति का उसूल। 23 साल से एक दूसरे को सियासी रूप से खत्म करने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दुश्मनों ने सही वक्त पर हाथ मिलाया और सियासी दुनिया में संभावित सुनामी का ट्रेलर दिखा दिया। मोदी लहर के दौर में यह पुराने दुश्मनों की नए सिरे से दोस्ती की पहली कामयाबी है। गोरखपुर और फूलपुर की सीटें हारने वाली सत्ताधारी बीजेपी कह सकती है कि दो सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि जो हमारी सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है और मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश के अंदर बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का दौर पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ है प्रदेश की जनता इसको समझेगी। मगर फर्क तो एक एक सीट से पड़ता है और बीजेपी ये बात कह भी नहीं पाएगी क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में उसने दो सीटें जीतकर ही राजनीतिक कामयाबी की नींव रखी थी और सिर्फ एक वोट से 17 अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। और आज मायावती ने समाजवादी पार्टी का साथ देकर यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम को घर में ही बुरी तरह हारने पर मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती तो शायद दोनों सीटें हार जाती, लेकिन दोनों ने मिलकर नई सोशल और सियासी इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की है। सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का उनका सहयोग उनका समर्थन मिला। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के गढ़ में बीजेपी की बुरी हार इस बात के संकेत हैं कि 2019 में बीजेपी की राह बुआ बबुआ गठबंधन के आगे आसान नहीं रहने वाली। अंततः बीजेपी को भी विकास के रास्ते पे लौटना पड़ेगा, नहीं तो जो विनाश का रास्ता अपनाया है ये जनता उन्हें धकेल देगी। और हमारा आपका नुकसान से ज्यादा समाज का और देश का नुकसान बीजेपी कर रही है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? मुख्यमंत्री में भी अविश्वास जनता का, उप मुख्यमंत्री में भी अविश्वास, माने सरकार में अविश्वास। बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। 1993 में यूपी समेत देश की सियासत में पहली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक दमखम देखा था। मुलायम, माया और काशीराम के साथ ने 1993 में मिलकर 176 विधानसभा सीटें जीतकर यूपी में राज किया। मगर 1995 में मायावती और मुलायम सिंह के बीच राजनीतिक तकरार हुई और बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि सूरज और चांद एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी कड़ी में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता मुलायम से अखिलेश यादव के हाथों में आई तो उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से हाथ मिला लिया, मगर ये दोस्ती सियासी आत्मघात साबित हुई। हार पर हार के बाद अखिलेश और मायावती ने 23 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी भुलाकर अपना वजूद बचाने के लिए साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने का संकल्प लिया और नतीजा सबके सामने है। आज जनता पूछ रही है किसान के लिए क्या है, किसान के लिए क्या मिला है, बेरोजगार नौजवान के लिए क्या है, यही तमाम चीजें निकल कर के आई हो। गरीब एक हो गया, मजदूर एक हो गया। इसलिए एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को मैं बधाई देता हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता को बधाई देता हूं, उनके कार्यकर्ता नेताओं ने जो मदद की है, सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद। हो सकता है कुछ हद तक कार्यकर्ताओं के मन में
कोई तकलीफ हो, कार्यकर्ता हमारा अनंत काल का सदा का साथी है, ये हमें ध्यान रखना है और हम रखते हैं उसे, और सजगता से कार्यकर्ता का ध्यान रखेंगे और जिनसे उन्हें कोई कठिनाई है तो वो सिस्टम के सहयोगी हैं। सरकार चलाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिस्टम का भी और हमारा जो अस्थाई साथी है। हम अस्थाई साथी अपने कार्यकर्ता को प्राथमिकता पर रखते हैं, अगर ऐसी फीडबैक जो आई है आगे उसको और जानकारियां इकट्ठी करेंगे तो कार्यकर्ता को और प्राथमिकता दी जाएगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। यूपी जैसा ही ट्रेलर बिहार में भी देखने को मिला है। हालांकि यहां अररिया लोकसभा की सीट पहले से आरजेडी के पास ही थी और आज भी आरजेडी के उम्मीदवार ही विजयी रहे। अब हम तो यही चाहेंगे कि नीतीश जी पश्चाताप कीजिए, जो जगह जगह जिस तरह से आपके डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से जनादेश का अपमान किया, लालू जी हम लोगों को मुकदमा में फंसाने का काम किया सिर्फ भाजपा में जाने के लिए, अब यूपी में भी देखिए जो लालू जी ने जो प्रयास किया था कि समाजवादी पार्टी और मायावती जी को इकट्ठे एक मंच पर लाया जाए, तो आने से जो फर्क जो नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि जो चुनाव 2019 में होगी तो जनता ये मानती है कि नेशनल लेवल पे भी महागठबंधन हो, और यूपी की जनता ये भी चाहती है कि मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें, उसमें कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। मगर गोरखपुर और फूलपुर की हार ये कहती है कि अगर सत्ताधारी दल ने नीति और राजनीति नहीं बदली तो शायद इन नतीजों का असली परिणाम 2019 में भी दिख सकता है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको ये बताते हैं कि आज के लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसके लिए क्या संदेश छिपा हुआ है, किसके लिए क्या शिक्षा है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई हार किसी को मजबूती दे दे, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की हार ने प्रधानमंत्री को पार्टी के अंदर और मजबूती दी है, यानी इस हार के बावजूद भी उनकी मजबूती बढ़ी है। अब एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना चुनाव नहीं जीत सकती। योगी आदित्यनाथ को भी अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें अपने मंच पर मोदी की जरूरत पड़ेगी, अपने मंच पर मोदी की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी, पोस्टर पर मोदी की तस्वीर देखकर ही वोट लिया जा सकता है। वैसे इन चुनावों में हार के बाद योगी आदित्यनाथ की स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमजोर होगी। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी पार्टी को अपनी ही सीट पर जिता नहीं पाए, ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इससे उनका राजनीतिक कद कम होगा और उत्तर प्रदेश में उनके विरोधियों को और ज्यादा बल मिलेगा इस हार के बाद। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि आज की जीत के सुपरस्टार वही हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में जब अखिलेश यादव की हार हुई थी तो उन पर और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन यह अखिलेश यादव की मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ का नतीजा है कि वो इन उपचुनावों में मायावती का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इस समर्थन के बदले में वो बीएसपी के राज्यसभा प्रत्याशी को समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने बीएसपी के साथ भविष्य के गठबंधन का रास्ता अब खोल दिया है, इसलिए इन चुनावों ने अखिलेश यादव के कद को और बढ़ाया है। असल में आज के हीरो अखिलेश यादव हैं, और साथ ही आज के इन नतीजों ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, राजनीति में ना तो पक्के दोस्त होते हैं ना पक्के दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और राजनीति में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं कह सकता। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राजनीति में वोटर को कुछ बदलाव लाने के लिए 5 साल लगते हैं, 1 साल भी लग सकता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की हार मायावती के लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 19 सीटें मिली थी। बहुत से लोग तब ये मान रहे थे कि मायावती का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी की हार से मायावती ने एक तरीके से कमबैक किया है और ये बता दिया है दुनिया को और बीजेपी को भी कि वो अभी खत्म नहीं हुई है, उनमें अभी ताकत बची है। और सबसे बड़ी बात, अपने राजनीतिक अहम को वो एक तरफ रख पाई।
बीएसपी की अध्यक्ष होने के नाते और मायावती जैसा लोग उनको जानते हैं, उनके लिए अपने राजनीतिक अहम को दरकिनार करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा किया और ये जो उन्होंने कदम उठाया उनके लिए बहुत शुभ साबित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब 2019 की बात आएगी, जब 2019 का लोकसभा चुनाव आएगा और इन दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा, अगर हुआ तो फिर सवाल यह उठेगा कि गठबंधन का नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, मायावती या अखिलेश यादव, किसको कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे या मायावती की पार्टी लड़ेगी। इसलिए इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। और अंत में राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी पार्टी भी ऐसा ही सपना देख रही है और उन्हें इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। लेकिन आज के चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी के इन सपनों पर पानी फेरने का काम किया है, क्योंकि केंद्र में उत्तर प्रदेश की सीटों के बिना अपने दम पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है और गठबंधन की स्थिति में उत्तर प्रदेश के किंग मेकर या तो अखिलेश यादव होंगे या फिर मायावती। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी के लिए वहां कोई जगह नहीं होगी। राहुल गांधी को बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करने के लिए भी अखिलेश यादव और मायावती की शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको याद होगा एक दिन पहले ही यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों को एक डिनर दिया था। उनकी कोशिश तो ये थी कि वो तीसरे मोर्चे के नेता के रूप में अपने पुत्र को स्थापित कर दें, लेकिन आज के नतीजों ने इस कोशिश पर भी पानी फेर दिया है। और आखिर में वोटरों की बात करना भी जरूरी है। वोटरों के लिए अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के वोटरों ने देश की जनता को और देश के बाकी वोटरों को एक बार फिर से ये बता दिया है कि नेता जनता को हल्के में नहीं ले सकते। वोटरों से वफादारी की उम्मीद करना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है नेताओं की। हालांकि इसी से जुड़ी हुई एक बुरी खबर यह भी है कि हमारे देश में आज भी चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर लड़े जाते हैं। प्रत्याशियों को उनकी जाति के आधार पर चुना जाता है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं। और आज भी क्षेत्रीय दल अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को ट्रांसफर करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी वोट बैंक आज भी ट्रांसफरेबल है। आज भी मायावती चाहें तो अपने वोट बैंक को किसी के खाते में रुपए की तरह ट्रांसफर कर सकती हैं और आज भी इसी आधार पर चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, इसी आधार पर टिकटें बांटी जाती हैं, जो कि एक दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी वो जीतना चाहिए जो सबसे ज्यादा काबिल हो। और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1879 में आज महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स का जनक माना जाता है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के तमाम सिद्धांतों का आधार मानी जाती है। 4 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आगे चलकर अपनी हर मुश्किल को जीतकर वो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बन गए। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आज ही के दिन वर्ष 1931 में रिलीज हुई थी। उस समय रिकॉर्डिंग के लिए साउंड प्रूफ रूम्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए आलम आरा की ज्यादातर शूटिंग रात के समय में होती थी, क्योंकि रात में शोर नहीं होता था। ये फिल्म न सिर्फ एक बोलती हुई फिल्म थी, बल्कि इस फिल्म में गाने भी थे। फिल्म आलम आरा के गीतों को भारतीय सिनेमा के पहले गीत भी कहा जा सकता है। हालांकि दुख की बात यह है कि अब आलम आरा का एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है। आप अगर आज आलम आरा को देखना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के आर्काइव्स में आलम आरा का अब सिर्फ एक पोस्टर ही बचा है। आज के दौर में सैम ब्राउन बेल्ट कई देशों की सेना और पुलिस की यूनिफॉर्म का खास हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 1901 में आज इस खास बेल्ट के डिजाइनर सर सैमुअल जेम्स ब्राउन का निधन हुआ था। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैन्य अधिकारी थे। 1858 में युद्ध के दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया था और इस हादसे के बाद उन्होंने ये खास बेल्ट डिजाइन की थी। सैम ब्राउन बेल्ट कमर से बंधी एक चौड़ी बेल्ट होती है, जो दाएं कंधे से एक पतली पट्टी से बंधी हुई होती है। और आज की तारीख को दुनिया में पाई डे के तौर पर भी मनाया जाता है। पाई एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और
किसी भी नागरिक का सबसे सशक्त हथियार उसका वोट होता है, जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को हिला सकता है, बड़े बड़े नेताओं की गलतफहमी दूर कर सकता है। इसलिए इस शस्त्र का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। नमस्कार।